मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। सामाजिक अंकेक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट व जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सामाजिक अंकेक्षण में आ रही समस्याओं से हम पिछले 10 वर्षों से पारदर्शी रूप से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कर रहे हैं, जिसमें से कई बीआरपी इस पद की शैक्षणिक योग्यता के योग्य नहीं होते हुए भी काम कर रहे हैं। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से इनकी शैक्षणिक योग्यता की जांच कर पूर्व में लगे हुए बीआरपी व वीआरपी को अनुभव के आधार से भर्ती में प्राथमिकता देकर पुनः नियोजित करने की मांग की। समिति का आरोप है कि बीआरपी भर्ती के लिए जिला परिषद से 6 माह पहले आवेदन लिए, परंतु परिणाम अभी तक नहीं आया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न पंचायत समिति ब्लॉक से बीआरपी व वीआरपी उपस्थित रहे। इस दौरान दिलीप सिंह, दीपाराम चौधरी, मदनलाल कपूराराम, नरेंद्र कुमार, हिमताराम सहित कई कार्मिकों की मौजूदगी रही। तब तक के लिए दीजिए अगर फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। हाँ सर, आपकी समस्या बताओ। हम 2011 में सामाजिक अंकेक्षण के लिए लगे हुए थे, जिनमें पिछले साल सरकार ने एनजीओ के द्वारा बीआरपी और वीआरपी को लगा दिया और एनजीओ को हटाने के बावजूद आज तक उन्हीं के लगे हुए व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों को लगाया है उनकी शैक्षणिक योग्यता की भी जांच नहीं की गई है। वो जो क्वालिफिकेशन इसके लिए होनी चाहिए उस क्वालिफिकेशन भी उनके पास पूरी नहीं है। और अभी हम पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 32,000 बेरोज़गार हो गए हैं और पाली ज़िले के अंदर लगभग 1100-1200 हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं। हम चाहते हैं कि उन सबको एनजीओ वालों को हटा के और हमारे को वापस नियुक्ति दी जाए।